हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, कोरोना वायरस की वजह से हम क्लासरूम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लगाएंगे। इस लेक्चर में आपको फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और ये हमारा मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। हमारे इस लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को क्लियर करेंगे जो टर्म्स हमने रेगुलर बेसिस पे इसमें यूज करनी है। फर्स्ट इज एलिमेंट। देखिए, हम एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। सब्सटेंस which cannot be further divided into simpler substance, ऐसे substance जिनको further simple substance में divide नहीं किया जा सकता किसी भी method से, by any mean or method, ऐसे substance को हम क्या बोलते हैं, element बोल देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक example से समझा रहा हूँ। Fe मतलब iron, iron हमारे पास एक element है। अगर आप इस आयरन को ब्रेक कर देते हो बाय एनी सोर्स, मान लीजिए ये आपके पास जो आयरन का पीस था इसको आपने दो पीसेस के अंदर ब्रेक कर दिया, तो ये जो दो पीसेस हमारे पास आएंगे दे विल बी पीसेस ऑफ आयरन ओनली। ऐसा नहीं है कि आप इसको ब्रेक करके किसी और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेक करने के बाद भी ये हमारे पास सेम ही एलिमेंट रहता है, सेम ही सब्सटेंस रहता है। मतलब पहले भी हमारे पास आयरन था और बाद में भी हमारे पास आयरन ही है। क्लियर? मतलब जो जिसको हम डिवाइड करके किसी और नए सब्सटेंस में और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। क्लियर? अब देखिए, यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी वाटर की, H2O। वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो ये वाटर अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक हो सकता है, इसका मतलब इट इज नॉट एन एलिमेंट। ये आपके पास एलिमेंट की एग्जांपल नहीं हो सकती। आई होप ये आपको दोनों एग्जांपल क्लियर होगी होगी कि हम इसको आयरन को एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं और वाटर को हम एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मान लीजिए ये हमारे पास कॉपर, जिंक और आयरन, यहाँ पे तीन सब्सटेंस गिवन है। अब इन एलिमेंट को मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि कॉपर को हम एलिमेंट बोल सकते हैं या नहीं। देखिए, ये कॉपर का हमारे पास पीस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कॉपर के स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट है। ये कॉपर के इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोल देंगे, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोल देंगे, एटम्स। क्लियर? दीज आर नोन एज एटम्स। और ये एटम्स किस चीज के होंगे, एटम्स ऑफ कॉपर। हम कॉपर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो कॉपर का जो एलिमेंट है वो किस चीज से बना हुआ है, कॉपर के ही एटम से बना हुआ है। सिमिलरली जिंक की बात करते हैं, ये हमारे पास जिंक एक एलिमेंट था तो इसके अंदर भी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उन पार्टिकल को हम क्या बोल देंगे, दीज आर एटम्स ऑफ जिंक। मतलब एक एलिमेंट जो है वो एटम से बना होता है और सेम काइंड के एटम होते हैं। जिंक के अंदर जिंक के एटम्स होंगे और कॉपर के अंदर कॉपर के एटम्स होंगे। सिमिलरली अगर आप कार्बन की बात करो तो इसको भी आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हो, इसके अंदर भी स्मॉल पार्टिकल होंगे एंड दीज आर दी एटम्स ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट को इसका मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। ध्यान से समझना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने यहां वर्ड यूज किया ग्रुप, तो एलिमेंट को आपने ग्रुप बोला। ग्रुप का मतलब यहां पे क्या है, जो साथ साथ प्रेजेंट हो, जो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं उसे हम ग्रुप बोल देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाता हूं, ये कॉपर के जो एटम्स थे ये साथ साथ प्रेजेंट थे तो इसको हम ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर बोल सकते हो, इसे आप ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ जिंक बोल सकते हो और इसे आप ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन बोल सकते हो।
तो ये था बच्चे हमारे पास एलिमेंट को डिफाइन करने का तरीका। आई होप आपको एलिमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी एग्जांपल्स भी क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट्स अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट इसमें रहता है तो प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बीच में डाउट क्लास भी आपकी लेंगे या जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपकी ये डाउट्स जो है वो वन बाय वन क्लियर किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर मॉलिक्यूल। अब देखिए मॉलिक्यूल से हमें यहाँ पे क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। कहता एक सेम तरह के या फिर अलग अलग तरह के एटम्स अगर आप इनको कंबाइन कर देते हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अब ये CO2 है, इसको आपने यहां पे मॉलिक्यूल बोला हुआ है। मतलब देखो मैं यहां पे इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये कार्बन है आपके पास, ठीक है, और O2 दो ऑक्सीजन है हमारे पास, एक ऑक्सीजन मैंने इस तरफ बना दिया और एक ऑक्सीजन मैंने इस तरफ बना दिया, क्लियर। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन थे दोनों तरफ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, CO2। अब ध्यान से देखना बच्चे, मैंने यहां पे देखो जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, ये मैं जो यहां पे रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ये क्या चीज है, इसको मैंने बोला कॉम्बिनेशन। देखो ये एक साथ नहीं पड़े, इसको मैं ग्रुप नहीं बोल सकता, इसको मैं कंबाइन फॉर्म में बना रहा हूं। जो चीज एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है ना, उसको ओवरलैप को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जिसके अंदर ओवरलैप हो जाए उसे आप कॉम्बिनेशन बोलोगे, और जब कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो हम उसे किस चीज से जानेंगे, मॉलिक्यूल से जानेंगे। ये ही बेसिक डिफरेंस होता है एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में। ध्यान से देखना, मैं यहां पे एलिमेंट बताता हूं। एलिमेंट के अंदर आपने एटम्स को ऐसे साथ साथ रखा था, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करवाया था, कंबाइन नहीं करवाया था, इसमें हमने ओवरलैप करवा दिया इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। देखिए अब इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल मैं ऑटो की देता हूं। मान लीजिए ये आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम है और ये हमारे पास इसमें दूसरा ऑक्सीजन का एटम आ गया। अब इन दोनों को आपने ओवरलैप करवा दिया यहाँ पे, जो ये पोर्शन ओवरलैपिंग वाला है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, मॉलिक्यूल, क्लियर। अब ये एग्जांपल थी ओटो की। अब डेफिनेशन पे एक बार और आते हैं। कह रहा कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स, ये मैंने एग्जांपल आपको सेम वाली दे दी, देखो दोनों ही ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, और डिफरेंट एटम्स ये मैंने आपको एग्जांपल डिफरेंट वाली दे दी, इसमें कार्बन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो तो भी मॉलिक्यूल बन जाएगा, और सेम एटम कंबाइन हो तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, क्लियर। आई होप आपको ये मॉलिक्यूल टर्म भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और इसमें मैं एग्जांपल देता हूं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल इज H2O वाटर। ये मैंने सेंटर में सबसे पहले ऑक्सीजन बनाया और इसके दोनों तरफ मैंने आपको यहां पे हाइड्रोजन को कंबाइन करवा के दिखा दिया। अगेन आप देख सकते हो इसके अंदर भी ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग जिसके मैंने रेड पोर्शन से अभी मार्क किया, ये जो ओवरलैपिंग हो गई इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। और अगर कॉम्बिनेशन हो रही है इसलिए हम इसे किस चीज से जानेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूल, क्लियर। तो ये था बच्चे हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स और इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। आइए मूव करते हैं अपने अगले डेफिनेशन की तरफ, दैट इज कंपाउंड। अब ध्यान से समझिएगा, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर जनरली बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, हमारे मन में ऐसी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कंपाउंड का मतलब क्या है। कंपाउंड आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे एग्जांपल दिया आपको दो कंपाउंड्स की, ये वाटर और ये HCl। पहले मैं वाटर की बात करता हूं, ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल था, मैंने यहां बना दिया। अब सेकंड देखिए, मैंने यहां पे एक और H2O लिख दिया, ये भी हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। एक और यहां पे मैं H2O लिखता हूं, ये भी हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। यहां पे मैं फिर H2O लिखता हूं, ये भी हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। यहां पे मैंने H2O लिखा, ये भी हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक साथ रख दिया, पर ये ध्यान से देखिए, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे, साथ साथ पड़े हैं, इसलिए इसको मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ग्रुप है, ग्रुप का मतलब होता है
जो साथ साथ पढ़े हो। देखो मैंने आपको यहां पीछे बताता हूं, आपको ध्यान से देखना। यहां हमने लिखा कि जो एलिमेंट है ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। देखो ग्रुप इसका मतलब क्या था, ये साथ साथ रखे हुए हैं, ओवरलैप नहीं किए, ऐसा ही हमने इसमें किया। ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्रुप है, साथ साथ रखे हुए हैं। जब मॉलिक्यूल्स ग्रुप के अंदर पड़े हो तब हम उसे क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। क्लियर। ऐसे HCl के अंदर भी आप देख सकते हो, ये HCl का एक मॉलिक्यूल यहां पे है, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट है, ये एक HCl का मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट है। ऐसे इसके अंदर नंबर ऑफ HCl के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और जब वेरियस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये थे बच्चे हमारे पास तीसरी टर्म आज की, कंपाउंड। हमने तीन चीजें सीखी, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। आई होप ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा समराइज किया है जो हमने पढ़ा। वी कैन से दैट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स, एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो जो हमने पढ़ा था इसको मैंने सिर्फ दो लाइनों के अंदर समराइज करके दिखा दिया स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे और आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेम द एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं H2SO4 की। H2SO4 के अंदर सबसे पहले आपने बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। एलिमेंट जैसे कि हमारे पास इसमें हाइड्रोजन है, हमारे पास इसमें सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तीन तरह के इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। कहता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कितने कितने हैं। हाइड्रोजन के साथ देखो 2 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है। सल्फर के साथ कोई नंबर नहीं मेंशन किया हुआ, मतलब सल्फर का हमारे पास 1 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के साथ 4 लगाया हुआ है, तो ऑक्सीजन के हमारे पास इसमें 4 एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर। हमें एलिमेंट भी पता लग गए और उसके नंबर भी पता लग गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं, C6H12O6। आप जानते हो सभी कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास। सी कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है और कार्बन कितने एटम है, 6। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने एटम है, 12। और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कितने एटम है उसके, 6। क्लियर। ये आप देख सकते हो बड़े ध्यान से, आपको इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट सी, आपको सुक्रोज का फॉर्मूला दिया गया है, C12H22O11। इट मींस कार्बन हमारे पास यहाँ 12 है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 22 है और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 11 है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज C6H6। C6H6 यहाँ पे क्या होता है बच्चे, बेंजीन। कार्बन हमारे पास कितने हैं, 6। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स भी चेक कर लिए और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये भी हमने चेक कर लिए। इनके नाम बच्चे अगर आपको नहीं मालूम, मान लो किसी भी चीज के, तो आपको अभी कोई वेरी करने की चीज के लिए कोई जरूरत नहीं है। जिनके नाम है ये हम अपने आने वाले चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही देखो एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें। व्हाट डज 6H2SO4 रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए हमें मालूम है कि H2SO4 जो है हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, पर ये क्या मेंशन है यहाँ पे साथ में 6, इसका मतलब हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है H2SO4 के। इट मींस वी हैव 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। क्लियर। अब और क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, हम इसके अंदर देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें हम गेन कर सकते हैं। हम पहले बता सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। हमारे पास इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। क्लियर। अब इन एलिमेंट्स के हमारे पास कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये हम भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं। देखो H2SO4 का जो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उस एक मॉलिक्यूल में आप चेक कीजिए हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक मॉलिक्यूल में अगर 2 है, टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6। तो ये क्या बन गया, 2 × 6 हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 12 एटम्स आ जाएंगे हमारे पास इसमें हाइड्रोजन के। ऐसे ही आप सल्फर के लिए निकाल सकते हो, सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास 6 हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास टोटल एटम्स कितने, 6 एटम्स। सिमिलरली ऑक्सीजन के चेक कीजिए, ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है एक मॉलिक्यूल में,
टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास 6 हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 24 एटम्स बन जाएंगे ऑक्सीजन के। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप इससे निकाल सकते हो। तो H6H2SO4 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 6 तो टोटल मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास, और कितने एटम्स हो गए, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम्स ऑफ सल्फर एंड 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, इस तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन यहां से गेन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई, कुछ सिंपल क्वेश्चंस को सोल्व करना भी सिखाया। अब हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की, एटॉमिक मास की। आप लोगों ने अपने स्मॉलर क्लास के अंदर, जैसे कि 10th 9th के अंदर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, ये आपने मास याद भी किए होंगे, पर फिर भी अपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूँ और उनके यहाँ पे मासेस के बारे में भी बता रहा हूँ। क्लियर, तो मेरी नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगी आपको वो शेड्यूल दे दिया जाएगा, और उसके अंदर आप जब आओगे तो आप प्लीज ये मास जो है उसको याद करके आना। अगर ये मासेस आपको याद होंगे तो आप जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा, और आप मेरे क्वेश्चन करवाने के साथ साथ ही आप आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है। हाइड्रोजन बताया है मैंने, जिसका मास 1 ग्राम होता है। अगर आप ग्राम एटॉमिक मास की कर रहे हो तो आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप सिंपल एटॉमिक मास कर रहे हो तो यू से रिप्रेजेंट करोगे। यू जो है एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, इसको आप एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम स्मॉल में यू भी लिख सकते हैं और इसको आप स्मॉल में AMU भी लिख सकते हो, ये आप शॉर्ट में ऐसा बता सकते हो। ठीक है, आप मास सेम ही रहता है, बस यूनिट का फर्क रहता है। तो आप ग्राम एटॉमिक मास देख लीजिए, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का हमारे पास 12 होता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, एल्यूमिनियम 27, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 14। मैंने बहुत ही लिमिटेड से एलिमेंट्स लिए हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि आपको एक ही दिन सभी एलिमेंट्स दे दिए। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, हमें सबका मास याद करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम इसको याद करेंगे। फिलहाल आप इतने सिर्फ एलिमेंट्स को याद कीजिएगा, और इनके मास जब याद हो जाएंगे तो उनके बेसिस पर ही हम अपने आने वाली क्लास के अंदर क्वेश्चंस लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।